मैं रनीता हुबली आप से सभी हूँ। का आज की के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रोज की तरह फिर से क्वेश्चन और आंसर का सेशन करेंगे, जिसमें थ्योरी से रिलेटेड और पॉइंट से रिलेटेड चर्चा विशेष रूप से हम करेंगे। तो आप में से पहले जुड़ रही हैं हमारे साथ में रेनिता जी, हाँ जी बताएं मैडम। आपका क्या सवाल है, आप कहाँ से हैं पहले तो परिचय दें। हाँ मैम, मैं हुबली से हूँ, हुबली कर्नाटक से, हाँ जी, और आई हैव अटेंडेड योर क्लासेस इन बैंगलोर। सो ओके, हाँ एक्स एंड पेन्स में आपका क्लास क्लास था बैंगलोर में, और ट्रीटाइस 24 पर। सो मैंने दोनों क्लासेस अटेंड किए थे आपकी, और मैं ये बताना चाहती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह माय गॉड, इट्स माय प्लेजर। ये सच और में आप लोगों का ये जो प्यार है इसने ही हमें यहाँ तक लेकर के पहुंचाया है, अदरवाइज हमारे जैसे तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन सच में अगर कोई किसी को बनाता है तो वो उसके स्टूडेंट्स ही होते हैं। अब आपने बोला है तो एक आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ जी जिसमें मैम, आपको पता चल जाएगा कि फैन कौन किसका है, मैं आपकी फैन हूँ या आप मेरे फैन। कल क्या हुआ कि मैं रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, कल भी वीडियोस अपलोड करी, बाय मिस्टेक फोर्थ डे की वीडियो फिफ्थ डे में रिपीट होके चली गई। जो उसका मैंने आगे का कवर बनाया उसमें तो फिफ्थ डे का ऊपर डाल दिया, लेकिन मैटर अंदर वीडियो सेम था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाहिए बताने चाहिए कि भाई आप ये क्या किया, आपने तो हमें पुराना दे दिया। मैम आपका लेकिन आवाज काफी लो आ रहा है। अभी ठीक है, हाँ थोड़ा सा कम है। ओके अभी अभी ठीक है मैम। हाँ, बीच में कॉल आ जाने से ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके मैम। हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि इतनी बड़ी ब्लंडर हो गई मेरे से कि मैंने पुरानी आपको वीडियो दे दी नए कवर में, लेकिन एक भी लोगों ने देखा तो 200 से ज्यादा लोगों ने, लेकिन रिएक्ट एक ने भी नहीं किया। बाद में रात में 11:30 बजे के आसपास में किसी एक ने रिक्वेस्ट किया, नेगेटिव कमेंट नहीं था, कि मैम फोर्थ डे फिफ्थ डे का वीडियो सेम हो गया है, उसको जरा सा देख लीजिए। अब आप बताइए कि आप मेरे फैन या मैं आपकी फैन। फिर भी मैं कहूंगी हम आपके फैन हैं मैम। ओके थैंक यू सो मच। मैं जितनी ये चीजें देखती हूँ मैं समझ नहीं पाती कि ये कैसे स्टूडेंट्स हैं और ये कितना ज्यादा हमें प्यार करते हैं, भाई समझ में नहीं आता। मैम आप जब बात करते हैं इसमें सिर्फ आपके गुस्से में भी कभी कभी सिर्फ प्यार ही झलकता है, और यू नो वी फील दैट, वी फील इट। सो I don't have any words to say, ma'am. We have not met Khemka sir, but we see Khemka sir in you. So it's a great blessing that you're with us. Yes. It's a blessing, ma'am. We are very lucky कि हम सबको ऐसा गुरु मिला जिसने हम सबको चेंज करके रख दिया। जी मैम। जी जी सवाल पूछिए। मैम सवाल नहीं, एक फीडबैक देना था। आपका वीडियो देखा था मैंने रिगार्डिंग लेबर पेन्स एंड डिलीवरी के बारे में। सो मेरे दोस्त के बच्चे को बीबी को दिया था मैंने, और कल वो पॉइंट प्रेस करने से उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका पेन उतना नहीं था, बट स्टिल डॉक्टर ने एडमिट किया था। मैंने फिर भी बोला प्रेस करो पॉइंट, आप उधर है, क्योंकि उससे पहले आपको दूसरा कुछ दवाई दे दें, उससे पहले आप कर दो। और डॉक्टर ने बोला दोपहर तक डिलीवरी नहीं होगी। सो उसका डिलीवरी सुबह ही हो गई 8:30 का बीच में। सो और माँ और बेटी बहुत हेल्दी हैं, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसने K9 भी लगाया था, उसमें भी बहुत हेल्प हुआ मैम। सो डिलीवरी हुआ नॉर्मल हुआ, सिजेरियन हुआ नॉर्मल मैम, नॉर्मल। उन लोगों ने लेबर रूम से बाहर लेके आए थे उसको, फिर इमीडिएटली उसको रश करना पड़ा।
या वो एक अब आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि ये जो आपने कमेंट बताया ये आप जो यूट्यूब में वीडियो है ना वहां पे डालेंगी श्योर मैम मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ देखो इससे फायदा होता है हम भी ट्राई कर सकते हैं श्योर मैम श्योर अपने से अपना प्रमोशन करूं कि ये ऐसे होता वैसे तो वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है जी मैम लेकिन अगर कोई करके वो डालता है तो लोग जो लेमैन है ना उसको लगता है कि हाँ देखो कोई किसी ने यूज किया था उसने बताया है तो हमें भी करना चाहिए राइट मैम राइट मैम और बहुत अच्छा आपका फीडबैक और मैम इसके साथ एक क्वेश्चन है मैम रीजन फॉर लो डोपामाइन लेवल मैम प्लीज लो डोपामाइन लेवल का रीजन क्या है हाँ मैम और ये ज्यादातर आपके होता है ओल्ड एज में हाँ मैम और इसी की वजह से आपके पार्किंसंस वगैरह होते हैं अल्जाइमर्स वगैरह होते हैं है ना तो हाँ, ये आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है उस ब्रेन में एक्चुअली 5 टाइप्स का सेल्स होते हैं जी मैम उन्हीं में से जो एक सेल होता है वो डोपामिन का सिक्रीशन करता है ओके अमीन लगा हुआ है अमीन डोप और अमीन अमीन ओके हाँ तो ये प्रोटीन का डेरिवेटिव है ओके मैम बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं शरीर कमजोर होने लगता है डाइट वगैरह हमारी कमजोर होने लगती है तो इसकी वजह से धीरे धीरे सारे ही पार्ट कम काम करने लगते हैं ओके तो इसी वजह से डोपामिन भी कम निकलता है ब्रेन भी धीरे धीरे फंक्शन उसका कमजोर होने लगता है हालांकि ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये कहीं पर इस तरीके से नहीं लिखी है ये तो लिखा हुआ है कि डोपामिन क्यों कम हो गया इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हो गया तो हो गया राइट मैम लेकिन मुझे ऐसा लगता है और जिस हिसाब से ट्रीटमेंट सर करते थे और मैं देखा करती थी कि इन सब चीजों में डोपामिन के सिक्रेशन वगैरह के लिए स्प्लीन की डेफिशिएंसी लगा करके उसमें काफी हद तक सफलता पाई जा सकती ओके मैम कहीं लिवर ब्लड डेफिशिएंसी लगाते थे कि ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो आपका लिवर से बहुत अच्छा होता है ओके मैम तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं और अभी हमारे साथ यहाँ पर एक हमारे प्रज्ञांशु जी जुड़े हुए हैं यस मैम अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक कोई लेडी थी जिनको पार्किंसंस था जी मैम बहुत ही सीवियर उनको जी सेम पॉइंट दिए गए थे और उससे प्रज्ञांशु जी खुद ही बताएंगे कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया बिल्कुल मैम उनको पार्किंसन के सिम्टम्स उनको ऐसा लगता था कि पार्किंसन है कई बार वो ट्रीटमेंट ले चुकी हैं अदर थेरेपी हो रहा था उनको जी उसके बाद से मैम ने उनको लिखवा करके पहले चेक किया और लिखने के बाद उन्होंने उनका राइटिंग ऑडियो उसमें फोटो और वीडियो दोनों देखा उसके बाद से उनको स्प्लीन की डिफिशेंसी के पॉइंट्स दिए और रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है अभी उनमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और सुधार हो रहा है विद इन अ वीक ही शायद होगा विद इन अ वीक और कितने सालों से था काफी पुराना है वो एक्यूप्रेशर में भी कई सारे ट्रीटमेंट ले चुकी हैं और अदर थेरेपी में भी वो ट्राई कर चुकी हैं दिल्ली से हैं हाँ, नहीं अंदाजा कितने साल हो गए होंगे काफी पुराना होगा अभी ध्यान नहीं आ रहा है कितना पुराना उन्होंने डेट दिया था मैं बताती हूँ उनका 15-20 साल पुराना था जी वो 80 साल के आसपास की लेडी है 80+ की जी तो सोचिए 80+ की लेडी है 15 टू 20 ईयर्स से उनको पार्किंसन का ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन जब मैं उनका कोई भी सर कहते थे कि कोई भी चीज जो आपके सामने आती है उसको आप अपने ढंग से हैंडल करें ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया ये दिन है तो हम मान के चलते हाँ ये दिन ही होगा तो उसमें जब उसको फॉलो किया जैसा कि सर के रूल्स होते थे तो उसमें मुझे दिखा कि तो पार्किंसन है ही नहीं तो मैंने उसी वक्त उनकी बेटी को बोला कि ये पार्किंसन नहीं है बोला फिर तो मैंने कहा ये वीकनेस है और वीकनेस का ट्रीटमेंट उनका चला विद इन अ वीक जो वो ग्लास वगैरह उठाती थी ना तो वो अपने से पानी पी नहीं पाती जितना हाथ शेक करता था बहुत ज्यादा ही और उसके बाद से वो अपना पानी चाय खुद ही पीने लग गई ये काफी ठीक है तो यही बताना चाहती हूँ मैं कि डोपामिन का ट्रीटमेंट करने के लिए स्क्रीन पर फोकस करिए ओके मैम या तो लिवर पे ओके मैम
ओके मैम, थैंक यू मैम. और ये एक लास्ट क्वेश्चन मैम, डिफरेंस बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल फीवर मैम, हम कैसे पता लगा सकते देखकर विदाउट? बैक्टीरियल फीवर तो हमें लगता है कम ही होता है, वायरल ज्यादा होता है. ओके मैम. हाँ, वायरस में ज्यादा फीवर ही होता है, बैक्टीरियल में तो कुछ नहीं होता. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच. नमस्कार. ओके, नेक्स्ट इज टेंसी वी. आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए. यस, आस्क. नेक्स्ट किसी को कोई अवेलेबल है तो करा दीजिए. हाँ, ये अपना ऑडियो और वीडियो तो ऑन किए हैं, एक बार और ट्राई कर लीजिए. टेंसी वी. हेलो, आप अपना क्वेश्चन कीजिए. मैम, आई वांट टू नो सम लुक. मैम, आई एम फ्रॉम केरला, कोची. हाँ जी मैम, कैन यू हियर मी? या या, नमस्कार. नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम. Very good evening. Ma'am, I want to know the some locations only in Spiral meridians, because I don't know exactly how to locate the meridians. I know body meridians, but I don't know how to locate spiral meridians. You are newcomer? No, ma'am. I completed my master diploma. Okay. But here they teach only on body meridians. Okay, not okay. No problem. Okay, ma'am. Okay. I'm so much thankful to you. if your body meridian is clear, then there is no difficulty in your bowel meridian. It is very simple, very simple. I'm just giving you some example. Okay, like. Okay, okay. I'm just showing bowel meridian and body meridian for you. Is it clear or not? Yes, ma'am, clear. Okay. Suppose you want to find out this CV meridian. It is clear? Yeah. You have to just see the center of your palm. Okay. And you have to start from here to here. What is this? This is CV14. Why this is CV14? Because your trunk region is divided into two parts internally, not externally. Okay. By diaphragm. Do you know about diaphragm? Yeah. Diaphragm is a plate-like structure which divides your chest and abdomen. Yeah. Okay. Above diaphragm, we call it chest. And below diaphragm, we call it abdomen. Okay. Yeah. And if you see in your hand, first stop my sharing, then I can show you here. Okay. If you see here, then this is your above diaphragm portion, this, and this is your abdomen area. Correct. Okay. So if we start CV1 up to your chest region near xiphoid process, means here. Okay. Then where it comes on palm? Here. Here. From here to here. Now you have to move from here to here.
करेक्ट ओके सीवी 14 to 24 एंड यू हैव टू लोकेट हियर इट इज 14 एंड यू हैव टू मूव हियर टू हियर करेक्ट दिस इज जस्ट copy of body meridian okay. understood yes ma'am and suppose if you want to search lungs meridian this is your lungs meridian it starts from here. chest region yeah yeah from here L-U-1. and travels from here Travel. To here yeah And if we talk about our finger, so index finger is resemblance as a arm. Okay. Understood? Okay. Okay, ma'am. And here, if we talk about in chest region, there are two lungs outside and one heart in between, or you can say slightly left side, or you can say internally. Okay. In comparison of lungs and one is brain which is located between lungs and heart means top position correct yeah now you have to search its location because your lungs is located outside so if you talk about lungs meridian then it also Where you have to find out outside of index. हाथ में आपके बाहर की तरफ क्योंकि lungs भी हमारे बाहर की तरफ हैं दोनों. Okay. तो ये बाहर आ गया. अब किस साइड में आना चाहिए सामने या पीछे तो सामने आएगा क्यों आएगा बिकॉज lungs is in. तो meridian भी in होगी तो ये meridian in हो गई ये in part है body का ये yang part है तो ये इन पार्ट हो गया ठीक है okay. अब ये आपके और लंग्स बाहर है तो ये आपका हो गया आउटसाइड ये आ गया लंग्स और अभी जब हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है इसका आउटसाइड कहाँ होगा ये ओपन है ये इसका आउटसाइड हो गया और ये इसका इन साइड हो गया करेक्ट yes, और ये हमारा क्या है ये शोल्डर का करेस्पोंडेंस है ये आपका एल्बो करेस्पोंडेंस और yes. ये आपका रिस्ट करेस्पोंडेंस yes, ma'am. हाँ और ये शोल्डर है आपका ये रिस्ट है सॉरी एल्बो है ये रिस्ट है तो शोल्डर लास्ट में ही यहाँ पर आपका लंग्स का पॉइंट होता है फर्स्ट तो यहाँ पर भी शोल्डर के पास में हम यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको लंग्स का पॉइंट मिलता है करेक्ट yes, लैंडमार्क बनाने तो अच्छे लैंडमार्क्स क्या है शोल्डर पर हो सकता है एल्बो एल्बो हो सकता है और रिस्ट हो सकता है यहाँ शोल्डर पे कोई पॉइंट नहीं है तो हम शोल्डर को लैंडमार्क नहीं मानते हम इसको मानते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका LU5 स्ट्रेट अच्छा ये पिक्चर अगर हम देखें तो ये 3D पिक्चर नहीं है ये पिक्चर 2D है ओके मैम लेकिन आपका जो हैंड है वो कितने डी है मुझे नहीं पता 1D 2D 10D 15D कितने डी पता नहीं है ना तो लेकिन हमें उसको यूज करना एज अ 2D ओके है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बहुत याद रखनी है क्योंकि हम क्या करते हैं अगर आपने एक मिनट में इसको स्टॉप करती हूँ शेयरिंग ओके अभी देखे ये मेरा फिंगर है स्ट्रेट बिल्कुल मुझे पॉइंट लगाना है देखिए आज मैंने लंग्स के पॉइंट लगाए हैं आपको दिखाने के ओके स्ट्रेट ना अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और ये पॉइंट दिखता रहे तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रेट तो मुझे अपना फिंगर हमेशा स्ट्रेट रखना है पॉइंट लगाते समय पेशेंट क्या करता है आप उसके पॉइंट लगाना चाहते हैं वो फिंगर को ऐसे देता है और आप उसको लगा देते हैं और उसको रिलीफ नहीं होता
फिर आप बोलते हैं आपने जो पॉइंट बताया था वो मैंने लगाया और रिलीफ नहीं हो रहा है, तो इसके क्या रीजन है? या तो डायग्नोसिस रॉन्ग है और या तो पॉइंट आपके रॉन्ग है, थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने पॉइंट लगाया है तो पॉइंट काम करेगा, तो या तो डायग्नोसिस और या तो पॉइंट लोकेशन। पॉइंट लोकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रीजन होता है, और थर्ड होता है उसमें इंटरप्रिटेशन, उसमें जाकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलग से क्रिएट करना। क्या हम अलग से क्रिएट करते हैं? वो अलग से क्रिएट ये करते हैं कि दो पॉइंट मैंने बताया, चार पॉइंट आपने खुद से ऐड कर लिया, तो वो आपस में इंटरेक्शन हो जाता है उनमें, और वो कुछ पॉइंट होते हैं जो आपस में न्यूट्रल इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट जब भी हम लोकेट करें तो 2D फिंगर के हिसाब से लोकेट करें, कभी भी मूव करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा लैंडमार्क ये हो गया, एलयू 5, और एक लैंडमार्क हमारा ये हो गया एलयू 9। हाँ, तो ये फिंगर, हमारी फिंगर दिख रही है ना सभी को? यस मैम। एवरीबॉडी, प्रज्ञांशु जी? यस मैम। हाँ, वी कैन। तो ये हमारा लैंडमार्क हमेशा याद होना चाहिए कि हमें ये लैंडमार्क को फोकस करना है, करेक्ट? अब आप देखें, एक पॉइंट में बीच में छोटा सा बताऊंगी पीपीटी से, अभी हमें LU6 लगाना है। पीपीटी दिख रही है आपको? LU6 लगाना है। अब ये कितनी दूरी पर आ रहा है वो हमें इसका रेशियो देखना है, और सेम रेशियो पर, ये तो छोटा सा है तो हमें इसी के साथ इसका भी रेशियो बना करके देखिए, मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये हाफ के थोड़ा सा ऊपर आता है। ठीक, तो ऐसे भी हमें इसको हाफ करके, हाफ से थोड़ा सा ऊपर करके LU6 लगाना है। ऐसे जितने भी पॉइंट हैं वो इसी हम घूमने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अभी कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप नहीं खोज पा रहे हैं तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैम, आपने बताया था ना, I didn't follow that. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मैम। LU15 Can't hear, ma'am. Can't hear. हाँ जी मैम, LU14 आपने at that time बताया था ना, मेरे को समझ में नहीं आता। Okay. समझ में नहीं आया तो LU14 location correctly। हाँ जी, ये आपके पास PDF available है? Yeah, ma'am. But in that round है ना ma'am? वहां वो राउंड है ना, आप उस पॉइंट, हाँ जी, LU14 अपने इसी तरह क्रॉस करके हम एक राउंड बनाया था ना, दो लाइंस क्रॉस करके, वो राउंड है ना LU14, बट आई बिकॉज़ इन क्लासिकल मेरिडियन इट इज बिलो द निप्पल इन 6th एंड 7th इंटरकोस्टल और 6th इंटरकोस्टल स्पेस इन क्लासिकल मेरिडियन, सो हाउ टू लोकेट हियर दैट इंटरकोस्टल स्पेस? ऐसे आपको ना बहुत सारे चीजें मिलेंगी, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होता है। क्यों करना होता है? साइज को लेकर के आपका चेस्ट रीजन बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपके दो पार्ट बन जाते हैं, तो हमें जितना नियरेस्ट पॉइंट मिले ना उसके हिसाब से बस सर्च करना होता है। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट, जैसे भी मैंने फिंगर का बताया कि इसको हाफ करके हाफ कर लीजिए, ऐसा कोई चेस्ट और एब्डोमेन के रीजन में ऐसा रूल नहीं मिलता है। इसको बस टेक्निक से खोजने का ही एक बस लेना पड़ता है, रिस्क कहिए या चांस कहिए, तो बस वो करते हैं हम सब। ठीक है, बिकॉज
in LU1, it is in second intercoastal space, and SP20 in second intercoastal space. But two points are in different places, so that I'm a little bit confused. नहीं, क्योंकि देखिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं चार्ट में, ये रीजन चेस्ट का हो गया और ये रीजन एब्डोमेन का भी हो गया, है ना? तो आप जो SP21 बोलती हैं या लंग्स का बोलती है, लंग्स को ले लेते हैं, जो लंग्स की मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं वो तो मैंने अबव डायफ्राम और बिलो डायफ्राम के पोस्चर हमारे पॉइंट लोकेशन के टाइम में अलग अलग होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। जैसे अगर मुझे लंग्स के यहाँ पर कोई चीज है, यहाँ की मेरिडियन देखनी है, तो हम ऐसा पोस्चर रखते हैं, और नीचे का अगर देखना होता है हमें तो फिर हम इसको बिलो डायफ्राम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो बॉडी तो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई इंटरेक्शन किसी और का नहीं है, लेकिन यहाँ से ये मूव भी कर जाती है। ओके हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन आता है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको 100% तो नहीं मिलेगा हर जगह कि हाँ बस 100% जो मैं देख रहे वही है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके मैम, इज देयर एनी टू रेफर दिस बायोमेरिडियन? Is there any book available for beyond meridian? Yeah. No. To नहीं, ऐसा location की तो कोई book मैंने नहीं देखी है। मैंने तो जो कुछ भी सीखा है वो सर से ही सीखा है, कैसे locate करते थे, कैसे वो सिखाते थे, तो उनसे ही सीखा है। Book तो मैंने नहीं देखी कोई ऐसी। Okay ma'am, thank you very much ma'am, thank you very much. Welcome. Okay. Okay, moving to next. Sarama, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन है जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, आई एम सारमा फ्रॉम बम्बई, फ्रॉम मुंबई। माय क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी पुट वन में द क्यू फ्लो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री, इज इट द सेम मीनिंग एज लंग्स की फ्लोज फ्रॉम लंग्स मेरिडियन इज सेंट्रीफ्यूगल, इज इट द सेम? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। फ्लो ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री एंड फ्लो ऑफ क्यू इन लंग मेरिडियन इज सेंट्रीफ्यूगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? And both are same, I think. Okay. There's no difference. Mm-hmm. Next question is that different types of pain, how can we identify their energy? Okay. Very like, nice and good question. Thank you, ma'am. Okay. How we diagnose different type of pain? Mm-hmm. Pain is very difficult thing. It's one of the main problem of people. Infinite types of pain. One is physical, one is mental. Okay. हाँ, mental pain आपको दिखता नहीं है, होता है, और उस pain को हम define भी नहीं कर पाते, हम बोल भी नहीं पाते, और उससे हमारी psychosomatic disorders होते हैं। ये pain body में कैसे कैसे होते होंगे? बर्निंग टाइप, पिंचिंग टाइप, पियर्सिंग टाइप, बोरिंग टाइप, पल्सेटिंग टाइप, शार्प टाइप, डल टाइप, देयर आर सो मेनी वैरायटी, बहुत वाइड रेंज है इनकी। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि चाहे वो शार्प है, चाहे वो डल है, कुछ भी है, बट मेन क्वेश्चन इज दिस, व्हाई वी फील पेन, क्यों हम पेन फील करते हैं? तो पेन की जो फीलिंग है वो हमारे बॉडी में नर्व एंडिंग्स के माध्यम से आती होगी, नर्व्स के माध्यम से आती होगी। तो फिर नर्व्स में ये क्या चक्कर है? अच्छा, दो तरीके के बॉडी में भी पेन होते, एक ज्वाइंट में होता है, एक बॉडी में होता है। तो ज्वाइंट पेन है या बॉडी पेन है?
ज्वाइंट पेन है तो उसका क्या रीजन है, बॉडी पे में पेन हो रहा है तो उसका क्या रीजन है। तो पहले मैं ज्वाइंट पे आती हूँ। ज्वाइंट में पेन के दो रीजन अगर हम देखें मोटा मोटा, तो एक हो सकता है कि हमारे ज्वाइंट में कोई चीज आके रुक गई, डिपॉजिट कर गई, तो उसको अपना फ्री काम करने में प्रॉब्लम हो रही। मान लीजिए मेरा जो एंट्रेंस है, जो डोर है, उससे मुझे निकलने में आसानी होती है, मैं निकल जाती हूँ, निकल आती हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता, पेनलेस मेरा मूवमेंट होता रहता है। लेकिन अगर आपने डोर को हाफ ओपन किया है तो फिर मुझे वहां से निकलने में और आने में दिक्कत होगी। या वहां पे आपने कोई टेबल लगा दी कि डोर बंद नहीं हो, तो डोर तो ओपन है लेकिन वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई चीज डिपॉजिट हो गई, तो अभी हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके ज्वाइंट के पास में कोई चीजें डिपॉजिट हो जाती है, लाइक यूरिक एसिड, सीआरपी जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर इकट्ठा हो जाती है। अब जो आपके बॉडी का जो ज्वाइंट का मूवमेंट है, जो उसके फ्लूइड का मूवमेंट है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक तो ये है कि कोई चीज वहां ऑब्स्ट्रक्ट कर गई। फिर सेकंड क्वेश्चन यहीं से अराइज होगा कि क्यों डिपॉजिट हो गया। या तो मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ है, और या तो फिर आपका वहां का टेम्परेचर कम है। अभी जो आपका घी होता है ना, वो विंटर्स में देखिए कितना हार्ड हो जाता है, और समर्स में वो बिल्कुल लिक्विड की तरह ऑयल जैसा हो जाता है। ज्वाइंट का पेन देखें कि आपको विंटर में बढ़ जाएगा और समर में फिर भी आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि आपके ज्वाइंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है। अच्छा, एक और आपको मैं बता दूं, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जो आपके ज्वाइंट का ब्लड सर्कुलेशन होता है और टेम्परेचर होता है, इन कंपैरिजन ऑफ बॉडी वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक, क्यों कम होता है? क्योंकि उसको जगह कम मिलती है ना, और हमेशा जो कर्व होता है वहां पर एनर्जी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसीलिए हमारे जितने ऑर्गन बने हैं ना, सब कर्व वाले बने हुए हैं, कोई शार्प एंडिंग वाला नहीं है। अगर आप लंग्स को देखें, हार्ट को देखें, तो हम बिल्कुल अगर लीवर को देखें तो लीवर क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है, लेकिन सैंडविच जैसा नहीं है, जिसके जो एंड होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें साइड में हम थोड़ा सा राउंड करके बनाते हैं, अगर पिक्चर भी बनाते हैं। अगर आप स्टमक का पिक्चर बनाए, अगर आप ब्रेन का, कोई भी चीज बनाए, तो कोई भी आपको शार्प एंडिंग का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शार्प एंडिंग का होगा तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है कि उसको फाड़ देगा, ऑर्गन आपके फट जाएंगे। ऐसे ही आपके जॉइंट भी है, तो वहां जैसे ही हम मूव करते हैं तो स्पीड हमारी कम हो जाती है। जैसे आप स्ट्रेट रोड पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तो आप अपनी स्पीड को खूब ज्यादा करके चला सकते हैं, लेकिन जैसे कोई टर्निंग आता है, हम अपनी गाड़ी को तुरंत उसकी स्पीड को कम कर देते, नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी एक्सीडेंट नहीं हो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ब्लड सर्कुलेशन से हेमरेजेस वगैरह नहीं हो जाए, तो नेचुरली हमारे बॉडी में इस तरीके की सेटिंग की हुई होती है, तो इसीलिए आपके ज्वाइंट में भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। अब ठंडक में हम एक्सरसाइज कम करते हैं, वाटर इनटेक कम लेते हैं, और अपने बॉडी को कस के कवर करके रखते हैं, तो वहां पे ये होने लगता है। तो एक कोई चीज डिपॉजिट हो गई और दूसरा कोई चीज वहां पे आके जम गई। ये होता है जॉइंट पेन का। बॉडी पेन की बात करें तो अगर डल पेन है तो उसका एक रीजन आपका विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होता है, और सेकेंड आपका होता है विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी। तो इनकी वजह से ये हमारे बॉडी में पेन्स होते हैं। और ये तो अभी बहुत छोटा सा बताया मैंने, इस पर मैंने 12 आवर्स के सेमिनार रखी थी आपके बैंगलोर में ही,
केवल इसी पर मैंने बात की थी, थ्री टू फोर आवर्स की ये पेन होता क्यों है। पूरा सर्वे भी मैंने दिखाया था कि कहाँ कहाँ पे स्टडीज हुई हैं कि आपके जॉइंट का जो सर्कुलेशन है उसकी कमी हो करके ये सारे पेन्स आते हैं। तो ये तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, फिर कभी होगा तो आपको और डिटेल बता दूंगी। अब आई फाइव एलिमेंट की बात, ये तो मोटा मोटा बात हो गया, आपका क्वेश्चन अभी भी इनकम्प्लीट रहा। सिंपल पेन है, वॉन्डरिंग पेन है, अभी शोल्डर में है, फिर एल्बो में है, फिर हेडेक हो रहा है, फिर ज्वाइंट तो बोलते हैं पता नहीं हमें तो कहीं कहीं पेन होता ही होता है, मैं क्या करूं। तो ये विंड टाइप पेन है, यू हैव टू रिमूव योर विंड फ्रॉम योर बॉडी। कहां से करना है? पूरे बॉडी से करना है, तो आपको पूरे बॉडी के विंड को निकालने का पॉइंट लेना पड़ेगा। और अगर ये बर्निंग टाइप पेन है, जलन भी हो रही है, इन्फ्लेमेशन भी है, तो ये आपका हीट टाइप पेन है। अगर ये हीट टाइप पेन है तो इसमें आपको बर्निंग मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। और अगर ये हॉटनेस है तो इतना पेन होगा, इतना पेन होगा कि आपकी चीख निकल जाएगी। अगर ये ह्यूमिडिटी में आ गया तो इसमें कोई ना कोई डिपोजिशन आएगी, तो इसमें स्वेलिंग एक्चुअल दिखाई देगी, आपका जो नी है या जो भी फ्रैक्चर जॉइंट है वो स्वेल होगा। और अगर ये स्टिफ हो जाए, मतलब आप मूव ही ना कर सके, ड्राई हो जाए, उसमें साउंड आने लगे, क्रैक करने वाला साउंड, तो ये आपका ड्राइनेस। और अगर आपका कोल्डनेस टाइप का पेन होगा तो पेन के साथ में एक तो पेन आपका कांस्टेंट होगा, वॉन्डरिंग टाइप नहीं होगा, एक फिक्स स्पेस में आएगा आपका पेन, फिक्स ज्वाइंट पे आएगा या फिक्स बॉडी पार्ट में आएगा या बॉडी ऑर्गन में आएगा, और बहुत शार्प होगा, शूटिंग होगा, और फिर वो ज्वाइंट आप मूव नहीं कर पाएंगे, वहां से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो अगर फाइव एलिमेंट में भी आप पेन को घुमाना चाहें ना, तो आप ऐसे पूरा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ओके मैम, रीजन फॉर फ्लोटर्स इन आईज और स्पार्क्स। इसके तो बहुत रीजन है, मुझे है मैम। हाँ, लेंस में प्रॉब्लम है तो भी होगा, रेटिनल डिटैचमेंट है तो भी होगा, बहुत सारे रीजन है, आपके बॉडी में वीकनेस है तो भी ये फ्लोटर्स आते हैं। अब ये फिर अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोटर है, ट्रांसपेरेंट फ्लोटर है या कलरफुल फ्लोटर्स है, तो उसके आधार पे अलग अलग डायग्नोसिस होती है। अब आप सोचिए एक्यूप्रेशर कितना वाइड है। Yes, ma'am, very wide, very wide. बस हमें इसी तरीके की डीप स्टडी करनी है ना? एक तो हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी भी इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी ये चीज होगी ना, उतना अच्छा आप एक्यूप्रेशर पे पकड़ बना सकते हैं। नहीं तो फिर हम उसी सिक्स की में ही ढूंढते रहते हैं, ये इसकी कौन सी एनर्जी, इसका क्या है, इसको कैसे कोरिलेट करें। हमें पूरे एस्पेक्ट को ध्यान में लेकर के चलना पड़ता है, और तब आपको ज्यादा अच्छा लगता है। और हमें लगता है अभी वो टाइम है जब हमें ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। वन मोर पॉइंट फॉर बैलेंसिंग द थ्री बर्नर्स, ट्रिपल वार्मर है ना, अपर, लो, मिडिल एंड लोअर। सुन रहा है मैम? मैम, कैन यू हियर? क्या हो गया? आई थिंक कोई कॉल आ गया होगा। ओके ओके, हाँ ओके, यस, शी इज रेडी। जी मैम, पॉइंट्स फॉर बैलेंसिंग द थ्री बर्नर्स, अपर बर्नर, लोअर मिडिल एंड लोअर बर्नर। इनके पॉइंट जनरली, इनमें जो इम्बैलेंस होता है, आप किस मेरिडियन पे जाएंगे? ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन आपके पास अवेलेबल है? यस मैम। अभी आप ये देखिए कि ट्रिपल वार्मर, इनको इन जनरल हम सिंगल ही मानते हैं, पर वार्मर का अलग पॉइंट, मिडिल का अलग, लोअर का अलग, अलग अलग पॉइंट नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये देखना ही है तो आपको देखना पड़ेगा
इन कंपैरिजन ऑफ पेरिकार्डियम, कि पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर दोनों की एनर्जी में आपस में इम्बैलेंस है या अकेला ये इम्बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस है तो इसका सोर्स पॉइंट पर आ जाइए, अगर आपस में इम्बैलेंस है तो पैसेज पॉइंट दे करके उसको बैलेंस कर सकते, ठीक है। थैंक यू मैम, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। दे थोड़ा सा हम चांस। ओके मैम, मूविंग टू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। रोनिका। हाँ रोनिका जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। रोनिका, रोनिका जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके मैम, मूविंग नेक्स्ट। हाँ जी सुमेश जी, रोनिका जी। अच्छा रोनिका, सुमेश जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी सुमेश बताइए। हाँ एक मिनट, थोड़ा आवाज बढ़ा लो। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे, मुझे पता आपका बैकग्राउंड देख करके मन खुश हो गया। ये सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, तो उनके आशीर्वाद से ही सब ये है। बिल्कुल, इतना मेला लगा है जो, और जो सही बात है। तो वही मेरे दो ही सवाल थे। एक्चुअली काफी सारे सवाल थे, दो सवाल थे, दोनों मेरे और जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे क्लास में हैं, लेकिन वो थोड़ा सवाल पूछने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो कल ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने नाम दे दिया था। इसलिए आपने जो रेड कलर की एक तो शर्ट पहनी है। हाँ और उसमें भी आपने स्ट्रॉन्ग किया है कि हाँ अभी हम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली जरूरी कुछ ऐसा होगा, बताए खेमका सर का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, तो डेफिनेटली जो भी मोमेंट होगी स्ट्रॉन्ग ही होगी, और सारी जो भी मोमेंट्स होगी, जो भी हमारे नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उन सबको साथ में लेके चलेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट सबको स्ट्रॉन्ग बनाने की है। बिल्कुल डेफिनेटली, और आपसे आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं हमारे साथ में, तो कोई ये ही नहीं है, हमें कोई चिंता का ये नहीं है। नमस्ते सिद्धार्थ जी। दीदी का वीडियो बंद हो गया। सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, बताएं। हाँ शायद इंटरनेट बाउंस कर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चेंज दीदी, कर दिया। दो सवाल थे मेरे, ये स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के सवाल है, जैसे अभी मेरे खुद के इस बार सेमेस्टर में करीब करीब 40 स्टूडेंट है, जिसमें से 30 स्टूडेंट तो हमारे इस फाउंडेशन क्लास में भी जुड़े हुए अभी इस समय पे भी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं जो सेमेस्टर्स में है, जो फाउंडेशन कर चुके हैं सेमेस्टर्स में है, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें मिसिंग होती है जो इस क्लास में हमारी कवर हुई, और बहुत अच्छे से कवर हुई, सबको बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद आया उसका। तो एक छोटा सा सवाल था, थोड़ा स्टडी से रिलेटेड था, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो सेमिस्टर्स में हमको यहाँ पे असाइनमेंट्स करनी होती है, तो असाइनमेंट तो प्रोजेक्ट जब किए जाते हैं, मुझे पता है आपका ये काफी फेवरेट सब्जेक्ट है, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट दोनों आपके काफी फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि शुरू से हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, हमेशा आपके साथ देखा है आपकी पीपीडीज वगैरह जो इस तरह से आप बनाती थी, जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन होता था आपका, हमेशा से बहुत सुंदर होता था, बहुत अट्रैक्टिव होता था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, वो जानना चाहते थे, तो बस यही पहला सवाल था मेरा कि स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन वो लोग कैसे करें असाइनमेंट्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा तो पहले तो मैं कहूंगी कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। असाइनमेंट में कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आपको करने होते हैं ना जी दीदी, लेकिन वो कैसे करें, असाइनमेंट मगर क्वेश्चन के आंसर ही लिखने हैं, तो जैसे आपने क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम में सभी बच्चे लिखते हैं जी। एक टीचर 100 स्टूडेंट को पढ़ाता है, 100 में 100 के 100 को सेम मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलता, क्यों? तो उसकी टेक्निक होती है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसमें जो असाइनमेंट होता है वो क्वेश्चन आंसर ना मान करके हमें
अपने आप को असेस करने का एक मौका मिला है, वो ये पूछा जाता है उसमें कि आप इस विषय पर या ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने शब्दों में व्यक्त करिए कि क्या है। अगर आपने सेम बुकिश लैंग्वेज में उठा के लिख दिया तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे नो डाउट, जो भी पासिंग मार्क्स होते हैं उठा के आपको दे दिए जाएंगे क्योंकि आपने लिखा है। लेकिन अगर हमें असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स गेन करनी है तो जो उसमें पिक्चर वगैरह होती है वो क्लियर बनाए। अगर आपकी मान लीजिए कि आर्ट अच्छी नहीं है तो आप उसका प्रिंट आउट ही लगाएं, शायद प्रिंट आउट भी लगाया जाता है अभी तो, लेकिन हमारे टाइम में अभी कुछ साल पहले में जब हम सब करते थे तो वो हाथ से ही अलाउड होता था, प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकाला जाता था। यही कारण है कि शायद आपको एक मैं पर्सनल भी बताती हूँ अपने बारे में कि मेरी आर्ट बहुत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। नहीं दीदी आपके आर्ट्स देखे हुए हमने, मैं बताती हूँ भी वो दिन याद करता हूँ। आपका आई डायग्नोसिस पे क्लासेस थी और उसमें आपने दो हाथों मतलब एट द टाइम आपने दोनों हाथों का यूज करके पूरा आई बना था व्हाइट बोर्ड पे बड़ा सा। हाँ, मैं बताती हूँ कि मेरी आर्ट बहुत कमजोर थी, बहुत बेकार थी, मुझे आर्ट से डर लगता था देख करके। तो मैंने इसी के लिए सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो आर्ट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब उसके अंदर मूव किया तो देखा यहाँ तो ब्रेन हार्ट ये वो इसके तो और ही भयंकर पिक्चर है, भाग नहीं सकते, करना ही करना है। फिर लगा कि चलो जब आना ही है तो आ जाओ, तो वहां से तो ये यात्रा शुरू हो गई। तो आप प्रैक्टिस से बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन डू एवरीथिंग। तो यहाँ भी जो आपने कहा दोनों हाथ से बना दिया ये वो, तो मुझे जल्दीबाजी बहुत होती है हर चीज में, जो भी हो जल्दी जल्दी हो और परफेक्शन के साथ हो। तो एक से बनाया तो थोड़ा सा दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा तो एक साथ दोनों एक साथ चलाओ तो एक साथ चल जाएगा, तो शायद इसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। तो एक तो ये हुआ कि पिक्चर वगैरह जो भी बनाए वो नीट एंड क्लीन बनाए, अपने समझने के लिए बनाए, वो आपका असेसमेंट हो रहा है कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या सीखा। तो ये है असाइनमेंट का, ये जो भी आंसर लिखें वो अपने से बना के लिखें। क्वेश्चन का आंसर बुक में है, बुक से आप पढ़ लें, समझ लें और अपनी भाषा में उसको लिखें। ठीक है जी दीदी। और अब प्रोजेक्ट क्या होता है, वो एक ही टॉपिक पर आपके विचार जानने होते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें अगर तो उसमें एक ही टॉपिक पर आपके क्या नॉलेज है उसको देखा जाता है। तो मान लीजिए आपका किडनी स्टोन हो गया, तो फिर अगर आप उसको लिखने चलेंगे तो व्हाट इज किडनी स्टोन, हाउ इट डेवलप्स, कैसे डेवलप होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके पहले आपको किडनी का स्ट्रक्चर बना दिया आपने। और किडनी में केवल किडनी नहीं आती, किडनी में फिर यूरेटर भी आता है आपका, यूरेथ्रा भी आता है, यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, अंदर के भी सिस्टम बना देकर ट्राइगोन वगैरह, फिर जहां जहां पे ये ब्लॉक करती है तीन जगह पे होती है, इलियक आर्टरी जहां आती है नीचे की तरफ इलियक आर्टरी, फिर वो जहां से आपका पेल्विक नीचे की ओर आता है एक यूरेथ्रा के पास। अगर ये सब बात कर रहे हैं तो उसको सोच करके अगर यहां होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, कितने प्रकार की होती है, तो उसका एक कंप्लीट गाइड अगर आप किसी को देते हैं तो वो होता है प्रोजेक्ट। तो ऐसे बनाना चाहिए बस। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू सो मच। तो दूसरा एक ये था मेरा कि जैसे अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हर सबको बहुत उत्सुकता रहती है कि कॉन्फ्रेंस में आप हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और काफी सुंदर सब्जेक्ट होते हैं आपके, बस यही जानना था कि इस बार कॉन्फ्रेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है मैम? वाह, इस बार मेरा सब्जेक्ट तो छोड़िए मेरी एंट्री नहीं है शायद, क्योंकि मुझे अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, मुझे कोई इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है अब तक में, तो इसलिए मेरा ऐसा कोई कह नहीं सकती क्या सब्जेक्ट होगा क्या नहीं है। विषय जो भी हमारे पास में है वो तो मैं डिलीवर करती ही रहूंगी, एक प्लेटफॉर्म न सही हजारों प्लेटफॉर्म पे करूंगी, लेकिन अब वहां पर होगा कि नहीं या क्या है ये मुझे नहीं पता है, अगर पता होता तो मैं आपको जरूर बता देती। ठीक है जी दीदी, थैंक यू सो मच। अभी मुझे पता। जी दीदी, थैंक यू।
नहीं एक्चुअली तो उसके बारे में थोड़े कंसल्ट थे पूछ रहे थे। मैं मेरी एक हैबिट है कि मैं कोई चीज अंदर हिडन करके नहीं रहती, बिल्कुल ओपन रखती हूँ। पता है वो पता चला हमने हिडन किया, कोई स्टैग्नेशन कर लिया, जगह जगह गांठे मेरे हों, डिप्रेशन में मैं जाऊं, मुझे हो जाए फाइब्रॉइड, मुझे हो जाए सिस्ट, मुझे हो जाए, तो इसलिए मैं रखती नहीं कोई चीज। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे अभी वहां से कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको ये टॉपिक दिया है या क्या है। हालांकि एन मौके पर भी हमेशा से मिलता रहा है, तो मे भी कि अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, सब्जेक्ट तो कहीं भी डिलीवर हो जाएगा, उसके तो कोई चिंता नहीं। ठीक है जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, मूविंग टू नेक्स्ट, वेगेंदर बजिंदर जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो आपका ऑलरेडी ऑन है, ऑडियो ऑन कर लीजिए बजिंदर जी। हाँ जी मीरा जी, आप जो कह रही हैं बहुत ही अच्छा है, जरूर मैं करने का मन तो है मेरा, देखती हूँ। आपका ऑडियो ऑन नहीं है बजिंदर जी, आप करिए। कहाँ से होगा सर ये? हाँ जी ऑन हो गया है। हाँ जी सर जी, अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो का जो ऑप्शन पहले ऑन था आपका वो ऑन कर लीजिए। स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, ये बैक साइड में है, कैमरा फ्रंट में कर लीजिए। अपना क्वेश्चन पूछिए, कोई बात नहीं। आपकी आवाज आ नहीं रही अभी। ओके, लगता है कोई नेटवर्क इशू है। मूविंग टू नेक्स्ट, श्वेता जैन। श्वेता जैन जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी मैम, मुझे ये चीज पूछनी थी, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आजकल एपिडरल इंजेक्शंस लगा देते हैं पेनलेस डिलीवरी बोलकर, तो उसमें मैम वो स्पाइन में लगता है इंजेक्शन, और उसकी डोसेज भी जैसे लोग लगा देते हैं, उसके साइड इफेक्ट पूरी बॉडी में होता है, तो फिर अगर हमें उसका ट्रीटमेंट करना है तो हम स्पाइन पे करेंगे या फिर, मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि उसमें ट्रीटमेंट देंगे कहाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? जी मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली 28 की एज में ही ऐसी बॉडी हो गई जैसे 60 की हो, कि हैंड्स लेग्स में पेन, नंबनेस इतनी रहती है कि मेडिकेशंस लेती हूँ, सप्लीमेंट्स खाती हूँ, एक महीना ठीक रहती हूँ, फिर एक महीने बाद फिर प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे डाल दिया आपके इंजेक्शन, जी जी, अगर वो प्रॉपरली बॉडी में मूव करके उसके बाद वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का क्या होता है कि वहीं पर रुक जाता है टिश्यू लेवल पर, तो सर्कुलेशन इंटरप्टेड होने की वजह से ये पेन्स आती है, तो हमें अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, कहा स्पेशली स्पाइन का, बॉडी का नहीं, क्योंकि वहां से उसको मूव करना है ना, या तो हम जो आपके इंजेक्शन लगे हुए हैं उसका साइड इफेक्ट दूर करने के जो पॉइंट होते हैं वो लगाएं, या तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दें तो अपने आप निकल सकता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम किडनी यांग के जो पॉइंट होते हैं उसका यूज करते हैं। जी। आप किडनी यांग के भी सारे पॉइंट मत यूज करें, तो एटलीस्ट SI3 UV62 को दोनों हाथों में पंप कर लीजिए। ओके मैम, और जैसे मैम उसके वजह से जैसे फेस पिगमेंटेशन भी, ये सब भी उसी के ही इफेक्ट्स हैं? हाँ, आपके फेस पे भी स्वेलिंग दिख रही है मुझे। जी जैसे मैम उसके उसी दौरान सियाटिका का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया मुझे, हेयर फॉल भी डबल स्टार्ट हो गया जी, गैस एसिडिटी, स्टमक में भी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई उसी के बाद।
तो वो मतलब पूरी बॉडी ही मेरी इतनी चेंज हो गई। नहीं ये देखिए पर्सनल क्वेश्चन आ गया ना। जी जी तो जी, जी, जी मैंने कि पहले हम पूरा करते फिर उस पे, लेकिन आप एसआईटी योगी सिक्योरिटी जी जोरी से रिलेटेड या आपके माइंड से रिलेटेड है तो पूछ लीजिए। जी तो मैम जैसे ये हो नहीं, अब मेरे उससे रिलेटेड नहीं, जैसे और लोगों को भी मैं मना करती हूँ कि पेनलेस इंजेक्शन ना लगवाएं कि डॉक्टर्स कितना ही फोर्स करें, तो फिर जैसे ये प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम पे अगर उन लोगों को वो चीज निकालनी है कि उसका असर, जैसे ऑपरेशन वालों को तो ये असर होता ही है, लगेगा ही लगेगा उनको, तो फिर उनको अगर ये चीज निकालनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही उसका असर, तो फिर वो कैसे निकालें कि आफ्टर डिलीवरी ही कोई पॉइंट्स लगाएं? हाँ तभी लगा लें ताकि वो जल्दी ही उनका असर उनकी बॉडी पे ना रहे। सेम पॉइंट से लगाया जाएगा जी। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। मूविंग टू नेक्स्ट वीना। वीना जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। वीना जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। जी आप अपना सवाल पूछिए। आपका ऑडियो वीडियो ऑन है, आप अपना क्वेश्चन कीजिए वीना जी। नो साउंड फ्रॉम हर साइड। एक्चुअली उनके तरफ से कोई साउंड नहीं आ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट, तो कभी तो बाद में उनको कर देंगे। जी मूविंग टू नेक्स्ट तुलसीदास। तुलसीदास जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो आपका ऑलरेडी ऑन है, ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, आपसे मेरे को ये पूछना था कि जैसे अपने SP5 है उसको वेरिस्को वेन के लिए सीडेट क्यों करना चाहिए? मतलब वेरिकोज वेन्स के लिए? हाँ जी। अच्छा SP5 किस चीज का पॉइंट है सर? स्प्लीन का है ना? नहीं नहीं SP5 अपने आप में किस चीज का पॉइंट है? नहीं जैसे मैंने तो अभी न्यूकमर हूँ, मैंने जैसे भी थोड़ा पढ़ता रहता हूँ और सबका भी, तो उसमें बताया कि SP5 को आप सीडेट करेंगे तो वेरिस्को वेन में फायदा पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सर आपको एक मैंने वो बताया था ना कि ये जो हमारे पुराने साथी हैं, जरा बताइए SP5 किस चीज का पॉइंट है? ड्राइनेस। हाँ ड्राइनेस का पॉइंट। तो अब आप बताइए कि जब आपको वेरिकोज वेन्स है तो क्या हो गया उसमें, आपको ड्राइनेस सीडेट क्यों करना है? वहां अगर कोई अगर आपके वेंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती प्रॉपर। हाँ जी ठीक है। हाँ ये वेरिकोज इस पे इसको भी छोड़ते हैं, आप आइए वेरिकोज वेंस में क्या होता है, कैसे होता है वो? तो वेरिकोज वेंस क्या होता है, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता है ऊपर, पहली बात तो वेन उल्टा चलती है। हाँ जी हाँ जी। जब वेन कमजोर होती है, कोई इसमें रुकावट आ गई, ठीक से लेके नहीं चढ़ पा रही है, तो ऐसा हो जाता है कि उनका ब्लड वहीं छूट जाता है, उसी को वेरिकोज वेंस कहते हैं। स्प्लीन हमारी वेसल के पॉइंट है, सारी ब्लड वेसल को कंट्रोल करता है स्प्लीन। अब अगर वो ड्राई हो गई, रफ हो गई, हार्ड हो गई तो कैसे लेके चलेंगी, नहीं लेके चल पाएंगी तो छूट जाएगा उनसे ब्लड, बिल्कुल वेंस हो जाएगा। और जब आप अपना SP5 सीडेट कर देते हैं तो उसकी जो ड्राइनेस है वो निकल जाती है। अच्छा। और आपकी जो वेंस है वो फ्लेक्सीबल हो जाती है और अच्छे से उसको लेकर के चल सकती है। अच्छा, दूसरा मेरा ये पूछना था आपसे कि जैसे आपने बताया कि कैल्शियम की कमी हो तो अपन टेबलेट या कोई चीज लेंगे तो किडनी में जाके स्टोन बन जाएंगी। हाँ जी, लंबे समय तक लेने के बाद, ऐसा नहीं कि आज हमने खाया तो आज अभी का भी हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक अगर रेगुलर हम खा रहे हैं तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अपने को नेचुरली क्या चीज कंज्यूम करनी चाहिए जिससे आके वो अपने को परेशानी नहीं हो? नेचुरली आप चना है, गुड़ है, केला है, चूना है, करी पत्ता है, अच्छा मोरिंगा लीव्स हैं, ये सारी बहुत सारी अभी कोरिएंडर लीव्स आ रहा है, अच्छा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, नेचुरली मिलेगा, उसको आप ले सकते हैं। पर जो डायबिटीज वाला तो गुड़ नहीं खा सकता ना मैडम? डायबिटीज वाले को गुड़ 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 खाने के अपन वो नहीं कह सकते ना उसको, डायबिटीज वाले को तो गुड़ खाते हैं उनको कोई इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन गुड़ का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। अच्छा। आप देखिए कि कैल्शियम की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, अगर गुड़ नहीं खा सकते तो करी लीव्स है, मोरिंगा लीव्स है, बाकी फ्रूट्स है जिनमें अच्छा। बहुत ज्यादा शुगर नहीं है वो आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर आपको फ्रूट्स मना है तो फ्रूट्स खाएं, कुछ और खा लीजिए। चलो थैंक यू मैडम, पर ये सही है कि SP5 को सेडेट करें मतलब उसके लिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। और इस पे वो लगा दें येलो ड्यूअल मैग्नेट मैग्नेट। थैंक यू सर। आप कहाँ से बोल रहे? मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ मैडम, राजस्थान से। ओके ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। ओके मैम एक क्वेश्चन और ले लेंगे आप? जी बिंदु जी, बिंदु भास्कर आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो मैम। जी क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो मैम की I can't see ma'am's video. जी मैम आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, मैम आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। हाँ जी जी पूछिए। हेलो I can't see ma'am. आप बोले। हेलो हाँ जी ma'am, I am not able to hear your voice or see you, ma'am. Pragyanshu ji. जी मैम आपकी audio थोड़ी slow है, but video okay है। अच्छा। Video clear है। इसे पूछिए ठीक है अभी मेरा? No, I am not able to see you, ma'am. इनका देख लीजिए कुछ on off का चक्कर तो नहीं है? नहीं आपका on है और आप screen पे दिख रही हैं। ओके व्हाई कांट आई सी मैम? बिंदु जी जस्ट पिन मैम ऑन दैट ऑन योर स्क्रीन, पिन मैम यू विल गेट टू सी हर। या बट ऑल दिस टाइम आई वाज एबल टू सी हर, सो सडनली आई विल डू दैट, वन सेकंड आई विल डू दैट। आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए जी। मैम मैम यू कैन हियर मी? हाँ जी जी मैम आपका आवाज सुन रही है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ आई एम बिंदु फ्रॉम बैंगलोर, वी मेट लास्ट 2 days बैक। ओके आई एम हुमेरा जी इज स्टूडेंट। Ma'am, you were talking about a first clarification you gave about dopamine. I too wanted to ask about that. And so when we treat Parkinson patient, what do we do? Do we increase the dopamine? Like, no. Do we activate the neurons so that the dopamine starts producing? Can we do that in our acupressure therapy? Because in allopathy, it is not possible, not just allopathy, other way of treatments, they don't tell, once the neurons are dead, you can't produce, it cannot be revived. So and in Dr. our- Wall gave you, and if you know, Dr. Mm-hmm. Wall gave you an ND meridian. Yes, ma'am. Particularly for the nerve regeneration. Uh-huh. And put in a classical acupressure. Then here uh-huh. I'm using point for activation of a particular
organ. Huh. Or you are just increasing your circulation of brain. Huh. Okay. Not increasing dopamine. I'm not doing anything for exactly for dopamine. I'm just doing for brain for a specific part like brain or it's a function like a circulation. तो वैसे करने से पार्किंसन डिजीज ट्रीट हो जाएगा. आप सर्कुलेशन ब्रेन में इंक्रीज करेंगे. आपने इनिशियली सुना कि कैसे पेशेंट को रिलीफ है, तो पार्किंसन डिजीज है या नहीं है फर्स्ट तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम पार्किंसन का पेशेंट पार्किंसन का होता ही नहीं है. तो इसलिए हमें ये सारी चीजें देख के उस हिसाब से करना. इसके लिए फिर कभी डिटेल में लेकर के बात कर लेंगे जब भी टाइम रहा है. हाँ. तो फिर हम बाद में बात. ठीक है. ओके ओके. आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस. टुमारो शैल आई आस्क मैम. यस एग्जैक्टली. ओके ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुड इवनिंग मैम. नमस्कार. गुड इवनिंग जी मैम. एक और आप क्वेश्चन लेंगी या आज के लिए रहने दें? उनको कल के लिए बोल दें. आज रहने देते हैं फिर कल कर लेंगे. जी बिल्कुल. ओके. जिनका